Thornbridge Manor, the Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. हेलो, स्वागत आप सभी का हिटमैन 3 के सेकंड एपिसोड में। और आज हम मानने वाले हैं, हम हैं इंग्लैंड में, डेथ इन द फैमिली। ओके, तो आज हमको हमें मारना है किसको, एक मिनट, फाइंड द केस फाइल इन द एलेक्सा कार्लाइस। ओके, हमें उस ओल्ड और गोल्ड को मारना है, लेकिन उससे पहले क्या बातें चल रही हैं इनकी, ये देख लेते हैं। ओके, That is Phineas Whitmer. ठीक है। Famous private investigator. अच्छा। Hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. ओहो। Maybe you should do some detecting yourself, 47. अच्छा, ऐसी बात है? तो मुझे जाना पड़ेगा इसके पीछे? यार भाई ऐसे मत करो यार, प्लीज़ जाने दो यार, ये तो जाने नहीं दे रहे यार, बड़े चौकन्ने हो रहे हैं इधर। ठीक है, तो हमें उसको पकड़ना पड़ेगा जिसको, किस को नहीं है, हाँ जो सामने जा रहा है, इसके कपड़े पहनने में, लेकिन छुप के इसको गिराना पड़ेगा, मतलब कि उठाना पड़ेगा, गिराना मतलब नहीं। और इन्होंने मुझे देख लिया, मैं इधर से चलता हूँ, छुप छुप के जाएंगे, छुप छुप के झाड़ियों में से, किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या देख रहा है, हेलो। तो आज हम उसको मारने वाले हैं, ओल्ड इज गोल्ड को, बूढ़ी लेडी है, ओल्ड इसलिए बोलूँगा कि बहुत ही ओल्ड है, गोल्ड इसलिए क्योंकि बहुत सारा सोना है उसके पास, देख रहे हो ना कितना बड़ा महल, राजमहल है। ओके, अच्छा इसको वेट करना पड़ेगा, ये वो जाके बोलेगी कि ये आया है। ओहो, तो क्या करता हूँ मैं, इसको टपकाना है मुझे। हे मिस्टर, कुछ ज़्यादा ही सफाई हो रही है, मतलब कटाई हो रही है, आजा। हाँ इधर एक सिक्का है, जल्दी उठा। हाँ थोड़ा सा आगे फेंकता हूँ मैं यहाँ। आय ऑसम, ओए इधर देख ले, नहीं देखेगा, ठीक है नहीं देख रहा ये। हाँ मैंने, मेरे पास तीन सिक्के थे, मैंने तीनों फेंक दिए, लेकिन इसको कुछ फर्क, घंटा फर्क नहीं पड़ा। हाँ हाँ टड़ा मिल गया, आजा बेटा इधर आजा, तू आराम से बैठ, मतलब सो जा, इसको मारना नहीं मुझे, बस इसके कपड़े लेने हैं मुझे, और यहाँ से इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, आजा साइड में आजा लाले, आजा झाड़ियों में छुप जा, मतलब सो जा, दिखेगा नहीं, मच्छर वच्छर नहीं काटेंगे तुझे। इधर चलते हैं फिर, कपड़े चेंज हो चुके हैं, अपने सिक्के उठा ले तो बड़े काम आने वाले हैं इधर, एक दो तीन, चलो अब चलते हैं। क्या लग रहा हूँ ना, वाओ, एक बार दिखाना फेस, दिखाना ये नहीं दिखाएगा फेस अपना। ठीक है, फाइनली मार चुके हैं अंदर थोड़ा सा वो भी, और यहाँ पे सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही है, कितने बंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, बस कितने हैं। ओहो जनाब, देखो मैं पीछे आ चुका हूँ तुम्हारे, हम बातें कर रहे हैं आपस में कर रहे हैं। ठीक है, ये लेडीज़ हैं, वो सामने गया, अरे जिसको हमें मारना था वो किधर है बंदर। हाउ यार, जाने दो यार प्लीज़। ठीक है मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था इधर, ठीक है चिल्ला मत, वरना इधर थप्पड़े थपेड़े खाएगा मुझसे। तो यहाँ जाने के लिए एक खिड़की है, विंडो है, तो हम जा नहीं सकते, लेकिन मुझे पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या सीन है। ओह एप्पल या फिर गोल्फ बॉल, कौन सी बॉल है ये। ओह ठीक है, ये किसकी हेड पे मारना है। अच्छा इधर देख लेता हूँ मैं, चेक करता हूँ, करना अंदर जाने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इधर। अब चलते, वो पीछे देख रहा है, अरे भैया इधर मत देख, मैं अंदर जाने वाला हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अंदर गया हूँ। एक घास काटने वाला अंदर कैसे जा सकता है इधर, बहुत सिक्योरिटी के साथ मैं अंदर आ चुका हूँ इधर। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या सीन है।
ओके यहाँ पे अनलॉक, इसको लॉक मतलब ये क्या है, ब्रेक ओपन, तोड़ू कैसे इसको मैं, कैसे तोड़ू मैं? ओहो यहाँ पे कोई नहीं है। ओ यार इनका दुखड़ा यार, बंद कर दरवाजा बंद कर। हाँ ये अपना दुखड़ा सुना रही है। हाँ मुझे पता है यही होने वाला तुम्हारे साथ भाई। हाँ वीडियो, किसने बोला वीडियो गेम्स को स्टूपिड, किसने बोला वीडियो गेम्स स्टूपिड, किसने बोला? अभी तो मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे। ओ लगता है इसके सिर पे मारूंगा, स्टूपिड वीडियो गेम बोला ना इसने अभी। ओके ये है पॉइजन, मैंने उठा लिया आई थिंक। हाँ अब उसको मारते हैं, चलो थोड़ा शुगर वुगर, ओ टेस्ट आ जाएगा। क्या चल रहा तुम्हारा? ये क्या 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 रखा है इधर? ओ मत्था पकड़ के बैठी है इधर तो बेचारी। स्टुपिड गेम बोलेगी तो यही होगा, जाके गेम खेल जाए। ओ भाई साहब क्या है ये? ओ भाई हे, ओ पकाओ पकाओ मैडम। तो मुझे जाना है, मैं पहले ये ना हथियार वथियार ले लेता हूँ इधर से, ये शॉप है यहाँ, क्योंकि उसे मारने के लिए हमें ना कुछ सातिर दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखते हैं, वापिस आ गया मैं इधर जाने के लिए। हाँ ये रहा ना, ओह छुप जाता हूँ, ओह एक सेकेंड। दिखना नहीं चाहिए, धीरे धीरे चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ओ भाई गन है यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं गन उठा लूँ, सीधा ऐसे ठोक दूंगा सीधा जाके। सामने है एक्चुअली, जो उनके हेड आ रहे हैं उनको पता है यहाँ पे, मेरे जैसा बंदा इधर आ गया तो देख लेंगे, वैसे भी कहेंगे भाई तुम तो नहीं हो, तुम तो यहाँ इधर काम नहीं करते। ओहो ये स्क्रू ड्राइवर, ठीक है बैटरी बैटरी ले लेते हैं, और ये क्या है वो तो, किसके सर पे मारूं? फ्यूज सेल, अच्छा फ्यूज सेल किस लिए है? ओ कुछ तो काम आने वाला है इधर, यहाँ पे फ्यूज सेल। हाँ ओपन हो जा, ऐसे छुप छुप के जाऊँगा तब तक तो मैं मार लूँगा उनको। एलेक्सा, ओ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ किसी को सुलाना पड़ेगा इधर, मतलब उसी ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए, वरना ये देख लेंगे मुझे। वेटर वेटर बनता हूँ मैं, दिखा यहाँ पे। ओ इधर हैं दो, कैसे बुलाऊँ इनको? हे मिस्टर इधर आ जा, इधर आ देख, मैं आ गया, मैं आ गया हिटमैन बन के। अरे हिटमैन तो मैं वैसे भी हूँ यार। हाँ ये मैंने ऑन कर दिया इसको, अब देखना सुन के आएगा इधर, फिर तेरी बैंड बाज बजाएंगे हम इधर। अरे भाई सुन ले इधर देख, ओ ये क्या सीन है? आहा आ गया। हाँ अरे वो डिटेक्टिव है, हाँ अभी वो तो इधर ही आ रहा है। पहले इसको लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं इसके, पहले इसको अंदर लेके जाओ, वरना कपड़े चेंज करते हुए देख लिया ना बैंड बज जाएगी मेरी इधर ही। पहले कपड़े चेंज, ओ लग रहा हूँ ना मस्त एकदम, सर्व करूँगा उन्हें। बंद हो जा, बड़ी आवाज़ ही कर रहे हैं। पहले इसको लगाते हैं ठिकाने अंदर की साइड, आ जा भैया सो जा थोड़ा इधर, कपड़े अंदर है पहन लेना, मेरे कपड़े जो मैंने निकाले वो पहन लियो ठीक है, और बाहर जाके काम कर लियो ऐसे मत। हाँ इसको बंद कर दे, बड़ा शोर हो रहा है इधर। तक तो उसने मेरी बात सुनी नहीं होगी, बंद कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पे हो क्या रहा है। और भाई हेलो कैसे हो, किसका वेट कर रहे हो? ओ तुम्हारा एक बंदा था वो गायब हो गया देखो पीछे मुड़, ओ ये रहा ना। हाँ इसको तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि दरवाज़ा खोलो, बंद कर दो दरवाज़ा, हमेशा बंद करके आना। हाँ ये है वो बंदा, क्या नाम था इसका, डिटेक्टिव था ना ये, उसको पता है कि हम आ चुके हैं अंदर और हमारा जो प्लान है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और यहाँ पे क्या चल रहा है इनका? ओ फोटो शूट की तैयारी हो रही है। अब इसको हीरोइन बनाता हूँ मैं, देख मॉडल बनाऊंगा इसको ना मैं। क्या बात चल रही है इनकी? अरे हो गया क्या तुम्हारा? हेलो अच्छा सेटिंग अपना, तो कुछ ठीक फिक करना है उनको, और गड़बड़ क्या है?
पहले देखा। ओ फ्यूज सेल, ओ फ्यूज सेल तो मेरे पास है भैया, है तो। भैया मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो ना हो। एक सेकेंड, अच्छा इसको फ्यूज कुछ प्रॉब्लम हुई है तब ये देखने के लिए इधर आ रहा है, आई थिंक ऐसा। हाँ हेलो, हाय, कैसे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अब मुझे इसकी ड्रेस चाहिए क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र मुझे बनना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। कोई वेटर को कौन देखेगा फोटो? ओ भाई साहब, वेट कर लेते थोड़ा, मुक्का खाने के लिए। अकल के आने के लिए, शक्ल के बिगड़ने का इंतज़ार क्यों करते हो तुम? है किसी फेमस हीरो का डायलॉग। ओह, इसने कुछ देखा नहीं इधर, इसको दिखाऊं क्या? ये दिखाता है, ये ले, स्मोकिंग करेगा है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मेरे सामने इसको स्मोकिंग करेगा, अभी इधर टपका देता हूँ इसको, मतलब टपक तो गया है, इसको लटका देते, मतलब छुपा देते हैं। छुप जा लाल है, इधर लेट जा आराम से चुपचाप, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इधर। ओ आ जा भैया तुम, मैं उसी के साथ लेटा के आऊँ या? एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ करना है मुझे, लेकिन इससे पहले, करने से पहले मैं इसको कुछ करके आऊँ, इसका उधर लेके जाता हूँ। मैं बहुत है ना, मतलब तो कि खतरे की तरफ जा रहा हूँ, मैं जानबूझ के मैं इधर इसको लेके आया हूँ, ताकि है ना, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम प्ले लगे, है ना। क्या उन्हें बोल बोल पाए? बोल तो मेरे पास होनी चाहिए। अभी क्या है, फ्यूज सेल, अच्छा मुझे फ्यूज सेल डालना है। ओ काम कर गया, अब मुझे जाना है मैडम के पास। हेलो मैडम, यार ये मुझे पहचान ना ले कि इतना गोरा चिट्टा बंदा कौन आ गया और इतना बुढ़ाऊ। हाँ पिक्चर टेस्ट करनी मुझे। ओ आपकी फ़ोटो, मैंने आज तक अपनी फ़ोटो नहीं ली, आपकी कैसे लूँगा? ओ भूतनी लग रही है, पूरी भूतनी लग रही है, निकल गई इधर से। ओ ठीक है, उनका भी कर देंगे, तुम्हारा कर दिया तो हमने। वो कॉल कर रही है, अरे वैसे जाके बुला के आया, तब तक मैं इंतजाम इंतजाम करता हूँ। अच्छा Let's see if any memorable moments will play out in front of the ओहो, camera. शर्म आ गए हम तो। देखा क्या प्लान था मेरा, अब इसको प्लान को कुछ खतरनाक बनाते हैं, कुछ यहाँ पे करते हैं। क्या है, पॉइजन मिला दूँ? आ मिला देते हैं, चलो बिल्कुल पॉइजन मिलाते हैं। ओह ग्रीन ग्रीन निकला, अब यहाँ पे कुछ मुझे करना है जिससे कुछ माहौल बने, उसी माहौल को बनाने के लिए हम करते हैं जुगाड़ यहाँ से। क्या हुआ क्या है यहाँ से? अच्छा पानी बहने लगा, वाह। एक सेकेंड, फ्यूज देखा, एक्सप्लोजिव लगा देते हैं इसको। मैं उसको देख रहा हूँ, देख ना लगे मुझे ऐसे कारीगरी करते हुए। भाई तुम में से कौन है? इनमें से कोई है जिसको मुझे मारना है? वो एलेक्स है ना, है किधर वो? अच्छा ओह, अरे उसी को तो मारना है, वो बूढ़ी को, बूढ़ा औरत, अभी हम तुमको मारेंगे। अच्छा जी, हो गया तुम्हारा, बड़े शर्मा आ गया बेचारा वो। हो, कितना वेट कर रहे हैं यार उसका, जल्दी आओ रे यार, मैं परेशान हो गया उधर यार तुम्हारा। देखो मेरा पॉइजन भी ठंडा हो गया, कहीं असर ना चला जाए उसके पॉइजन का। हाँ ये बेचारा सही बैठा है भाई, तुम्हें मरना नहीं है, ठीक है बैठा है, बैठी है, नहीं उठा लेता हूँ, वो देख तो नहीं रहा। हाँ भगवान से वो प्रार्थना कर, कितनी दूर है यार, कब आएगी वो, कब आएगी? ठमक ठमक के चल रही है, मैं घूम लेता हूँ यहाँ पर। वो भी ऐसे ही घूम रही उधर, आ नहीं रही। एक काम कर ठीक है, जितना घटिया प्लेस लग रहा है, फवारा चल रहा है ना उधर, नहा ले जाके, 10 दिन से नहाया नहीं है शायद, उससे ज़्यादा हो गया। आओ मैडम आ रही है, आओ। दरवाज़ा किसने बंद किया भाई? मैं तो इधर हूँ मैं तो इधर हूँ दरवाज़ा बंद करने वाला, फिर वो किसने किया? हाँ जी मैडम जी, क्या हाल है, कुछ कहोगे? कुछ बोल भी नहीं रही भाई, जितनी बूढ़ी है ना उतनी खतरनाक नज़र आ रही है। अच्छा मुझसे बात कर रही है? ओ मैं तो अपना बेस्ट करता हूँ, देखना कितना बेस्ट करूँगा मैडम, बस तुम एक बार जाके बैठ जाओ सीट पे। ओ सुनो भाई, मैं भी सुन लेता हूँ,
I will address you in the sitting room. Kis security guard bhi ghum raha hai idhar? Are right, get in position. Let's get this. Oh. Security guard idhar le gaya yaar, kaise marunga isko main? Ye to plan kharab karwa dega mera. There's a puddle of water here. Ah, pani hai waise beh raha hai bas. Pata nahi kaun super raha hai. बैठ जाओ मैडम, बैठ जाओ, बैठो बैठो, देखो मैं बैठ के दिखाऊं? नहीं, मैं क्यों बैठूंगा, फोटो तुम्हारी खींचनी है, तुम बैठो. ठीक है, ओके, इधर जरा फेस स्माइल. अरे बुड्ढे मुस्करा दे थोड़ा सा इधर देख के, ताकि तुम्हारी फोटो अच्छी आ जाए. वन टू, ओ यार टू में ऐसी फोटो कैसे आ गई यार, ये क्या हुआ अभी? ओहो थ्री होना था. हाँ सर, ठीक है, मैं चलता हूँ. सॉरी, गलती हो गई. आपके फ्यूज उड़ गए मैडम. हाँ, मैंने कर दिया यार, उसके फ्यूज उड़ गए यार. बताओ भाई, अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ इधर. मैं तो भाई ये वेटर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. मैंने कुछ नहीं किया. तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे, फाइंड द केस फाइल. केस फाइल तो यार लैपटॉप चला लेते पहले. ओह यहाँ पे कुछ है. ओ जूते, जूते की वुड करने आए शॉपिंग. हाँ यहाँ पे भैया कैसे हो, अकेले खड़े हो हैं? हैं जाओ नीचे जाओ. अकेले क्या कर रहे थे इधर? ताजी हवा नीचे मिलती है, ऊपर नहीं. ओ अच्छा, अरे बुढ़े ये मर गया क्या, जिंदा है भैया? ऐसे पड़ा ही है मुँह फाड़ के. यहाँ पे कुछ दिखा, ये क्या है? फाग पुल. ओ भाई सीक्रेट दरवाजा, यही ना बात. मैंने बोला था ना एक खतरनाक हवेली है. सोना देखो कितना ज़्यादा सारा सोना है. ओल्ड मतलब ओल्ड तो गायब ही हो गई, अब सिर्फ गोल्ड गोल्ड बचा है यहाँ पे. उस मैडम को अच्छा टपकाया हमने. वो क्या है टपकाया? सारे फ्यूज. ये क्या है? एफ हिटमैन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या है? अब छुप के देख रहा है, किसको देख रहा है ये? अच्छा कुछ देख दो. ओह मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है फाइनली. मैंने मार्क के किसी को ड्रेस चेंज कर लिया है, उनकी सिक्योरिटी गार्ड की. ये तो मैंने अभी देखा. यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बुढ़ऊ आराम से लेटा है. मैं बैठ के देखता हूँ इसके पास कैसा फील होता है. फील क्या होना यार, ये तो बेचारा बात भी नहीं करेगा. इधर से चलते हैं यार. फाइल ढूंढने मुझे कैसे भी करके यार, यहाँ पे होनी चाहिए थी वैसे. मुझे नहीं लगता यहाँ पे है, क्योंकि बुढ़ऊ तो मर गया, इसको क्या पूछ के करूँगा इससे. यहाँ पे मैं जाता हूँ. ओह हेलो मिस्टर, कैसे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो तुम? अकेले घूमना. अच्छा दो हैं. एक सेकेंड, नहीं बिल्कुल होल्ड नहीं करेंगे हम. तुमने देखा, तुम भी जाओगे अब, ठीक है? लेकिन तुम्हें हेल्प मांगेगा. ओ मिस किया, दो गोली मेरी मिस करवा दी तूने. हैं ये केस फाइल इनके पास है क्या? ए मिस्टर बोलेगा. अरे पहले पूछना था यार, मैंने गलती कर दी. पहले पूछना था फिर मारना था. लेकिन हम मारते पहले हैं, लेकिन पूछते बाद में हैं. तो यहाँ पे हम आ चुके हैं फाइल्स देखने के लिए. यार हिटमैन अपने ऐसे काम क्यों करता है, क्यों करते हो तुम हिटमैन ऐसे काम? This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. मुझे 47 बुलाना बंद करो मैडम. ठीक है, जैसा हिटमैन का काम होता है वैसे हमने किया. उनको डब्बे में मतलब कि पैक कर दिया. एक सेकंड, ओह कौन देख रहा है मुझे यार? देखो तो मत ऐसे यार, मैं तो आराम से घूम रहा हूँ इधर. अच्छा फाइल यहाँ पे मुझे शायद लगता है यहाँ पे मिलने वाली है, पर कहाँ? एक सेकंड, ये क्या है? ओ पेंटिंग्स, काफ़ी अच्छी हुई. यार अगर ऐसे देखेगा तो मैं कैसे अपना काम करूँगा? आओ क्या बात बोल रहे हो, अपनी नौकरी करो ना यार, मुझे अपनी करने दो. तुम अपनी करो, मैं अपनी कर रहा हूँ. लेकिन मेरी बहुत खतरनाक है पता है तुम्हें? पता है देखो, मैं पहले ऊपर जाता हूँ, फिर देखता हूँ, तुम्हें टपकाता हूँ. पहले मैं देख लेता हूँ कहीं ऊपर मुझे टपकाने के लिए कोई खड़ा ना हो. हाँ काफ़ी शांत माहौल है. इसके पास क्या है? ओह हो कुछ
अच्छा, इनकी बातें सुननी है मुझे। और बातें सुनने में तो मैं माहिर हूँ यार। अच्छा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ भी नहीं सुना अब तक। Safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. अच्छा, ये ऑफिस है उसका। अच्छा, तो मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ, तो मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ मैडम, समझिए आप। तो यहाँ पे एक जनाब थे ना, मिस्टर जनाब, यार आप ड्यूटी अपनी अच्छे से नहीं कर रहे यार, मुझे घूरे जा रहे हो, बताओ यार मैं अपने कैसे काम करूँगा। और यहाँ पे सीन है, फाइल इधर ही गई है, लेकिन फाइल से पहले मुझे इनको टपकाना पड़ेगा। ओह, यहाँ पे है, रोगी के पीछे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, कुछ तो है दया, कुछ है इधर, कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाज़ा तोड़ दया। सोरी, वो है AK-47 नहीं है, हिटमैन 47 है, एजेंट 47। तो ये दो बंदे हैं जिनको मुझे टपकाना है, और वो कैसे भी कर। क्यों भाई, कोई दिक्कत है? जैसे तुम घूम रहे हो वैसे मैं घूम सकता हूँ ना। पर उनके पास गन है यार, मेरे पास है पर छोटी वाली है, एक्चुअली दो गोले डालती हूँ उसमें बस। क्या दोनों को साथ धक्का दे सकता हूँ मैं नीचे, ट्राई करूँ? हाँ, तुम उधर जाओ, तब तक मैं इसको निपटा देता हूँ, देखना मत। बिल्कुल, जा भैया नीचे। ओ, गायब हो गया, तुमने देख लिया? ओए, मैंने धक्का नहीं दिया, वही कह रहा था मुझे नीचे जाना है। बेसबॉल, ये लेना। तो गोलियां यार, मेरी वेस्ट ख़राब कर दी इसने, अब जी वाली। आ जाओ भैया इधर। फाइनली हमने दो को तो टपका दिया, लेकिन बचा है अंदर वाला, अब उसको तो टपकाना बनता ही है, क्योंकि अगर उसको नहीं टपकाया हमने तो काम ख़राब कर देगा वो, और काम ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि हम मिशन के बहुत ही करीब हैं। कुछ होना चाहिए इधर। ये अभी भी नहीं खुल रहा। हेलो, काटेगा तो नहीं? हाथ लगाऊंगा तो नहीं, ऐसा नहीं होने देगा। हाँ, तो हम बात सुलह कर लेते हैं, क्या तुम मुझे कुछ काम करने दो? नहीं करने दोगे? मुझे पता था तुम नहीं करने दोगे। अब इसको कहाँ पड़ा रहने दूँ, इसे इधर ही छोड़ दूँ? नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं इसको, एक सेकंड, दरवाज़ा खोलता हूँ मैं इधर। हाँ, इसको तो इधर ही। हाँ यार, ही ना, ये रही ना, ये रही इसकी सही जगह है। ओके, हमारा काम हो चुका है यहाँ पे फिनिश, मतलब कि थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है अपना सुराग यहाँ पे। ओह, ये है एक्टिवेट बटन, अब खुलेगा, मुझे पता था कुछ ऐसे होने वाला है। Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a कोड? code. Maybe have a look around the office हाँ, 47. यही है। अच्छा, कोड ये क्या है? ये एक अलार्म, ओके, टेलीस्कोप, और ये क्या है? 12 सिंगा, और दूसरा तीसरा क्या था? एक बार फिर देखना पड़ेगा मुझे, चेक याद रखने पड़ेंगे मुझे। पहले अलार्म के पास जाता हूँ, ढूंढता फिरता मैं कहीं से भी, घूम फिर के मैं आ गया, काफ़ी ढूंढा मैंने, मिला नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये है। ओह, है, यही है, यही है, इस पे नंबर था, क्या था मुझे याद नहीं है। मुझे पता है क्या लगेगा, एक ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं, शायद मैं टेलीस्कोप पे जाना, मुझे टेलीस्कोप है, क्या नाम है उसका यार, जो भी है, दूरबीन है बड़ी सारी, जिससे ताज में मतलब सूरज, चांद सूरज देखते हैं। हाँ, ये है, वो इस पे है, क्या नंबर है? ए, कुछ दिखा? नहीं दिखा, दिखा, चलो। ठीक है, एक्चुअली हिटमैन को सब कुछ पता है, लेकिन बता नहीं रहा, ये 5 नंबर है। अभी खामोशी से, चुपके से, तो यहाँ पे हम फीड करते हैं। अरे, क्या कर रहा हूँ मैं? ओके, सारे एक साथ, हाँ, अग्नि में, यहाँ पे ठीक है, हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, नहीं, फाइनली फाइनल हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमने एक्टिवेट हो गया। ओ, 1 9 7 5, हाँ, ओके, ये पुश द बटन। ओ भाई साहब, ओपन हो गया, ग्रेट।
हम निकलते हैं इधर से। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। लेकिन आपकी आवाज़, ये क्या हो रहा है भैया? उसकी आवाज़ कैसे होगी? कुछ तो गड़बड़ है दया। ओह, मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब यहाँ से निकलते हैं आराम से। हेलो मिस्टर एलेक्सा, कहाँ पे हैं आपकी मैडम? नहीं पता यार इनको, ये नहीं पता यार कहाँ पे जॉब कर रहे हो यार तुम? अपनी मैम का ख्याल रखा करो यार। हेलो, अरे लगे रहो भैया, लगे रहो, किसी को कुछ नहीं पता कुछ क्या होगा था यहाँ पे सीन। अबे जाने के लिए रास्ता किधर है यार? मैं तो घूम फिर के इसमें फिर खो गया। हाँ इधर से सामने दिख तो रहा है, क्या जा पाऊँगा? वो भैया इसको पता, भाग यहाँ से। अरे अरे भागो 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 भाई, देख लेता भाई, कसम से पहचान लेता मुझे कि मैं हिटमैन एजेंट 47 हूँ। भैया ऐसे दिख जाऊँगा मैं, पीछे जो मार्क लगा है ना मेरे खोपड़ी के पीछे, इससे तो पता चल गया होगा उसको कि यही है वो। मैं ही हूँ वो। अच्छा वो आपस में बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं था। जाने का रास्ता भाई साहब है, भाई साहब पता है यार ये कब से एक जगह खड़ा होगा, भूल गया होगा अब तक तो रास्ता। इधर कहाँ से निकलते हैं बाहर? ठीक है मैं नीचे आ गया। ओ सामने वाला दरवाज़ा, हाँ यहाँ से निकल सकते हैं हम। इनको भी नहीं पता मैं कौन हूँ। हाँ जी बेवकूफ़ है, कुछ नहीं पता तुम्हें सच में? ठीक है हम यहाँ से निकलते हैं भैया। तो फाइनली हमने फाइनली कदम घर से बाहर हो चुके हैं। हाँ इसको पता चलेगा मैडम, ये कुछ नहीं पता इसको, बेचारी बिजी है। क्या तुम्हें पता है ये बंदा यहाँ से गया था? नहीं पता ना, तो कौन है ये बताओ यार? कैसे हैं वो, कैसे सिक्योरिटी गार्ड पाल रखे तुमने? भाग लेता हूँ मैं इधर से। तो फाइनली हमारा मिशन हो चुका है कंप्लीट, हमने एलेक्सा कार्लाइज को, क्या नाम था उसका, कार चलाने वाली को, ऑल्ड इज गोल्ड को मार दिया। और फाइनली हमने एक केस फाइल ले लिया है, बहुत ही काम की केस फाइल लगती है मुझे लगता है, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आया इस मिशन को कंप्लीट करने में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट मिशन पे। ओ भाई साहब गोलियाँ चल रही हैं उधर यार, मैं तो जाने के लिए कहता हूँ, लेकिन हम नेक्स्ट मिशन में आपको फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए लेता हूँ गुड बाय अर्पिता, इसको फेंकते हैं इधर, लेता हूँ अपनी बाइक और चलते हैं इधर से। गुड बाय।